हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम झटपट बनने वाले व्हाइट लड्डू बनाने जा रहे हैं। तो चलिए फिर इस इंस्टेंट रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो व्हाइट लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1.5 कटोरी सूजी यानी कि रवा लिया है। इस कटोरी से हमने मेजरमेंट किया था। इसी कटोरी से हमने 1.5 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा लिया है। 1 कटोरी हमने मावा यानी कि खवा लिया है और 1 चम्मच हमने यहाँ पे इलायची पाउडर ली है। तो सारी चीज़ें हमने देख ली है। तो चलिए अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर कुकर का डिब्बा लिया है। अब इसमें हम सूजी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से प्लेन कर लेंगे इस तरह से। अब इसी तरह हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे और फिर हमें तीसरी लेयर जो है वो मावे की करनी है। तो मावे को भी हम अच्छी तरह से फैला के इसमें डाल देंगे। अब मावा डालने के बाद हम इस पर 1 प्लेट ढक देंगे और इसे हमें कुकर में पका लेना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर कुकर लिया है। अब कुकर में हम इसकी प्लेट रख देंगे। अब कुकर की प्लेट रखने के बाद इसमें हमें पानी डालना है। तो प्लेट डूबने जितना ही हम इसमें पानी डाल देंगे। अब पानी डालने के बाद हमने जो लड्डू के मिक्सचर का डिब्बा रेडी करके रखा है उसे हम इसमें रख देंगे और उसके बाद कुकर का ढक्कन लगा के हमें हाई फ्लेम पे इसकी 4 से 5 सीटी निकाल लेनी है। अब कुकर की 4 से 5 सीटी निकालने के बाद हमने कुकर को ठंडा करके उसमें से इस डिब्बे को निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा लड्डू का मिक्सचर किस तरह से दिख रहा है। तो अब इस मिक्सचर को हम परात में निकाल लेते हैं। अब लड्डू का मिक्सचर परात में निकालने के बाद हम इसमें 2 कटोरी पाउडर शुगर यानी कि पीसी हुई शक्कर डाल देंगे। अब शक्कर डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मावे को हम अच्छी तरह से मिक्सर में मैश कर लेंगे, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और फिर इस मिक्सर को हमें हाथ पे इस तरह से रब कर लेना है यानी कि घिस लेना है ताकि मावा जो है वो सारे मिक्सर में बिल्कुल इक्वली लग जाए। तो अब हम इसका लड्डू बना के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लड्डू अच्छी तरह से नहीं बन रहा है क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं है। तो मॉइस्चर के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही दूध हम इसमें डालेंगे। इस मिक्सर से बस हम लड्डू बना सके उतना ही दूध हमें इसमें डालना है। तो आप देख सकते हैं दूध डालने की वजह से हमारे लड्डू के मिक्सर में मॉइस्चर आ चुका है। तो मिक्सर हमारा रेडी है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और दोबारा इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो मिक्सर हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। तो लड्डू की साइज़ आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल मीडियम साइज़ का लड्डू यहाँ पे बना लिया है। बस इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे लड्डू हमारे रेडी हो चुके हैं और ये कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो आप इन्हें अगर फ्रीज में रखेंगे तो 10 से 15 दिनों तक आप आराम से इन्हें खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये झटपट बनने वाली आसान सी रेसिपी, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेज़ कुकिंग।